महिला आरक्षण विधेयकावर सध्या संसदेत चर्चा सुरू आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये आजच हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. विधेयक मंजूर झाल्यावर संसद आणि राज्यांमधील विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण असेल. या 33% एक तृतीयांश जागा SC आणि ST प्रवर्गासाठी राखीव असतील. महिला आरक्षणाला काँग्रेसनं देखील पाठिंबा जाहीर केला. संसदेतील आपल्या भाषणात या विधेयकाला पाठिंबा देताना सोनिया गांधी नेमकं काय म्हणाले ते आपण पाहूया. देशभर के स्थानीय निकायों के जरिए हमारे पास 15 लाख चुनी हुई महिला नेता है. राजीव गांधी जी का सपना अभी तक आधा ही पूरा हुआ है. इस बिल के पारित होने के साथ ही वह पूरा होगा. अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है. हमें इस बिल के पास होने से खुशी है. कितने वर्ष? 2 वर्ष? 4 वर्ष? 6 वर्ष? 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए. लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब OBCs की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए. ABP माझा उघडा डोळे बघा नीट.